अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नहीं बल्कि दो चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक है चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है बिजली का खंबा, और एक है चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले। इन दोनों चैप्टर को हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीट करेंगे। और इन दोनों चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में इसलिए कम्प्लीट करा रही हूँ क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है ये एक नज़्म यानी कि कविता है, दोनों ही चैप्टर कविता ही है। और मतलब मज़े की बात यह है कि इन दोनों चैप्टर के लिखने वाले भी एक हैं, यानी कि बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, इन दोनों कविता यानी कि इन दोनों चैप्टर के लेखक नेदा फाजली ही हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों कविता के एक एक लाइन को पढ़कर उसका मतलब भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग नेदा फाजली यानी कि लेखक के बारे में जान लेते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए नेदा फाजली के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम लोग ये जो दोनों कविता है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़कर ख़त्म करेंगे। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा ये कविता है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस कविता में। ठीक है, तो सबसे पहले नेदा फाजली के बारे में जानिए। देखिए, नेदा फाजली की पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश हुई थी ग्वालियर में, और आप लोगों के बुक में भी सिर्फ इतना ही दिया है कि इनकी पैदाइश जो है वो ग्वालियर में हुई है, ये नहीं बताया गया है कि किस डेट को हुई है इनकी पैदाइश। तो एक तरह से ये आप लोगों के लिए मतलब बहुत खुशी की बात है, ना बुक में दिया है और ना ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ हाँ इतना पूछ सकता है कि नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा ग्वालियर, तो आप लोग टिक करके आ जाइएगा। इनफैक्ट पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन कि नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई है, और ऑप्शन में ग्वालियर दिया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़िए। 1964 नहीं तो 65 में नेदा फाजली के वालिद यानी कि उनके पिता और वालिदा यानी कि उनकी माँ और उनकी बहनें जो है पाकिस्तान के कराची जाकर बस गए। ठीक है, 1964 नहीं तो 65 ईस्वी में नेदा फाजली के मम्मी पापा और जितनी भी बहनें थीं वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान के कराची में, और वहीं पर जाकर वो बस गए लो, रहने लगे लो वहीं पर। लेकिन नेदा फाजली उस वक्त जो है ना अपने तालिब इल्मी के ज़माने से होकर गुजर रहे थे, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो इसीलिए वो हिंदुस्तान में ही रह गए नेदा फाजली, और उनको रहना भी पसंद था हिंदुस्तान में, तो वो पाकिस्तान नहीं गए। नेदा फाजली जो है वो हिंदुस्तान में ही रह गए और वहाँ पर हिंदुस्तान में ही रहकर ये पढ़ाई किए, और देखिए उर्दू और हिंदी में एमए तक तालीम हासिल की। नेदा फाजली जो है ना उर्दू और हिंदी सब्जेक्ट से एमए किए यानी कि एमए तक तालीम हासिल की, और उसके बाद से वो फिर मुंबई आ गए। ठीक है, और आगे बढ़िए। नेदा फाजली की बात कर ले तो ये जो है ना अलग अलग जगह पर जाकर ये मुलाजमत यानी कि जॉब किए थे। ठीक है, अखबार जहाँ पर प्रिंट होता है वहाँ पर भी जाकर, मतलब उर्दू और हिंदी के रिसाला में पत्रिका में भी जाकर ये उन्होंने काम किया था, और कई जगह यहाँ तक ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किए थे, फिल्म भी लिखा करते थे और नगमा निगारी नगमा भी लिखा करते थे। लेकिन अंत में इन्होंने गज़ल और नज़्म लिखा और ढेर सारी गज़ल और नज़्म लिखे, और सबसे ज़्यादा मशहूर हुए ये गज़ल और नज़्म से भी। इनफैक्ट ये जहाँ जहाँ काम किए थे ना वहाँ, मतलब वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए थे, और जहाँ भी ये काम किए थे वहाँ से इन्हें शोहरत ही मिली थी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको शोहरत मिली गज़ल और नज़्म लिखने की वजह से, सबसे ज़्यादा मशहूर हुए किससे, गज़ल और नज़्म से। तो गज़ल और नज़्म लिखने के अलावा इन्होंने दोहा भी लिखा है, और दोहे में भी मतलब ये इनकी काफ़ी शोहरत है, दोहे भी बहुत अच्छा लिखा करते थे। और सबसे ज़्यादा इनका गज़ल नज़्म और दोहा फेमस मशहूर होने का एक और रीज़न था, ये अपने जो कुछ भी लिखा करते थे गज़ल नज़्म या फिर दोहा उसमें समाज के कमज़ोर और पसमंदा तबके के मसाइल को उभारा करते थे। समाज के जो सबसे कमज़ोर और पसमंदा तबका है, ठीक है, वो उसको मतलब अपने गज़ल और नज़्म में उभार दिया करते, दिखा दिया करते थे, रियलिटी दिखाते थे। तो ये सबसे बड़ी इनकी खूबी थी जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। इनके कुछ शेरी मजमुए के नाम आप लोग के बुक में दिया गया है। शेरी मजमुआ मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि शेर व शायरी का किताब। ठीक है, तो देखिए नाम दिया गया है लफ्ज़ों का पल, ये शेर व शायरी का किताब है। मोर नाच आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प, ये जितने भी है नेदा फाजली की लिखी हुई शेर व शायरी का किताब है। अब जो है आगे बढ़िए। तसनीफ़ यानी कि क्रिएशन, नेदा फाजली जो है ना वो क्या क्या क्रिएट किए। शेर व शायरी का किताब तो लिखे ही है, लेकिन उसके अलावा वो क्या क्या लिखे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग तसनीफ़। तसनीफ़ का मतलब होता है क्रिएशन। नेदा फाजली ने क्या क्या क्रिएट किया और क्या क्या लिखे। ठीक है, शेर व शायरी का किताब तो लिखे थे लेकिन और क्या क्या लिखे। तो देखिए, एक मुलाकातें नाम का वो तनकीद लिखे थे। तनकीद में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना। ठीक है, अगर कोई लेखक है वो कुछ भी लिखता है उसमें क्या सही है क्या गलत है,
सही और गलत की पहचान करके लिख कर ही बता देना ही तनकीद कहलाता है। बाद से दीवारों के बाहर, ये एक नावल है, नावल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नावल, ठीक है। और उसके बाद से दीवारों के बीच, ये भी एक नावल है यानी कि नावल है। और चेहरा जो है, चेहरे नाम का, ये एक खाका है। और दुनिया मेरे आगे, ये भी एक खाका है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना नेदा फाजली ने लिखी थी, मतलब वो शेर व शायरी के अलावा दोहे, गज़ल, उसके बाद से तनकीद भी लिखे थे, नावल भी लिखे थे, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। आगे बढ़िए, USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह वगैरह, मतलब ढेर सारे ममालिक, ढेर सारे दूसरे मुल्कों में जो है ना नेदा फाजली गए थे, और वहाँ का जो है ना, वहाँ पर भी इनकी जो गज़ल और नज़में थी वहाँ पर फैली हुई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, नेदा फाजली को अवार्ड भी मिला था, एक है साहित्य एकेडमी अवार्ड, एक है शिखर सुमान अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड, इतने सारे अवार्ड जो है नेदा फाजली को मिले थे, ठीक है। तो ये हो गया नेदा फाजली के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 20 यानी कि बिजली के खंभे नाम की इस कविता को पढ़कर इसका मतलब समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 21 यानी कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, इस कविता को पढ़कर उसका मतलब समझाऊंगी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, मैं ये ले ली बुक, और देखिए शुरू में नेदा फाजली जो है इस बिजली के खंभे नाम के कविता में लिखे हैं, कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर किसी पेड़ की ठंडी छाव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, नेदा फाजली बोल रहे हैं कि कई साल गुजर गए, मतलब कितने साल हो गए मैं इसी रह गुज़र पर यानी कि इसी रास्ते पर किसी पेड़ के ठंडी छाव के नीचे बैठा हुआ करता था, एकदम अंधेरों में गुमसुम सा मैं बैठा हुआ करता था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाज़ दी थी, फिज़ाओं में हलचल सी होने लगी थी, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई अजनबी लोग जो उस रास्ते से होकर जाया करते थे, और जब मैं सड़क के किनारे जो पेड़ था उस पेड़ के ठंडी छाँव के नीचे बैठा हुआ करता था, तो उस रास्ते से होकर जितने भी लोग, अजनबी लोग जाया करते थे, वो मेरा नाम ले लेकर पुकारते थे। और पहले के लोगों में मतलब अपनापन था, भले ही लोग अजनबी थे लेकिन अजनबी लोग भी मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। लोगों में पहले अपनापन था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे लोग, ठीक है, चाहे वो कितने भी अजनबी क्यों ना हो, ठीक है। मगर दोस्त, यहाँ पर बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, नेदा फाजली, लेकिन दोस्त यह बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मगर दोस्त ये बात उन दिनों की है जब बिजली का खंभा नहीं था, जब बिजली का खंभा नहीं हुआ करता था लेकिन चांद का नूर मैला नहीं था, लेकिन चांद के रोशनी से ही चारों तरफ उजाला रहता था। बिजली का खंभा नहीं था लेकिन चांद का नूर जो है वो मैला नहीं था, चांद की रोशनी से ही, चांद के नूर से ही चारों तरफ उजाला रहता था, यहाँ पर बताई जा रही है। अभी जो है बिजली का खंभा आ गया है, चारों तरफ हर सड़क के किनारे पेड़ के बजाय वहाँ पर बिजली का खंभा लगा हुआ है, और बिजली के खंभे पर वहाँ पर एक लाइट जल रही है, और उसी बिजली के खंभे के कारण जो है ना सभी घर में लाइटिंग साइटिंग की व्यवस्था है, ठीक है। अब लोगों में अपनापन नहीं है, सारी जो है ना वो चांद का नूर जो है वो फीका पड़ गया है इस बिजली के खंभे के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना बिजली के खंभा के बारे में नेदा फाजली बताया है कि बिजली का खंभा लग जाने की वजह से जो है ना आज मैं फिर वहाँ पर जाता हूँ लेकिन मुझे वो पहले जैसा अपनापन लोगों के बीच नहीं दिखता है, ठीक है, पहले जैसा सुकून और शांति नहीं दिखाई देती है। मैं अभी भी वहाँ पर जाता हूँ लेकिन वो पेड़ नहीं बल्कि वहाँ पर मुझे एक बिजली का खंभा दिखाई देता है जिसके ऊपर एक लाइट जलती है, ठीक है, जिसके वजह से चारों सब जितने भी घर हैं उन सभी घर में लाइटिंग सेटिंग व्यवस्था है, सभी घर में लाइट जलती है, अब कोई जो है घर से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 20 यानी कि बिजली का खंभा नाम का चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग चैप्टर नंबर 21 यानी कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, इस कविता को समझते हैं। देखिए इसमें लिखे हैं नेदा फाजली शुरू में कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल के शाखों से उछल के आते जाते बच्चों की बस्तों से निकल के। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेदा फाजली बोल रहे हैं कि नज़्म जो थी, नज़्म पहले लिखना बहुत आसान था, कविता को लिखना पहले बहुत आसान था, घर के आगे जो पीपल का पेड़ था, पीपल के शाखों से यानी कि पीपल के पेड़ के टहनी से उछल कर आते जाते बच्चों के बस्तों यानी कि बच्चों के स्कूल बैग से निकल कर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारों में ढलकर, और रंग बिरंगी जो जितनी भी चिड़ियों की चहकारों में ढलकर जब मेरे घर में आती थी, कौन, नज़्म, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारों में ढलकर जब नज़्म यानी कि कविता मेरे घर में आती थी ना, तो मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। नेदा फाजली बोल रहे हैं कि ये जो नज़्म है ये
घर के आगे पीपल के शाखों से उछलकर आते जाते बच्चों के बस्तों से निकलकर और रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारों से निकलकर ये जो नज़्म है कविता मेरे घर में आती थी तो जल्दी जल्दी जो है ना मेरे कागज़ पर लिख जाया करती थी खुद को। ठीक है, तो पहले तो जो है नज़्म लिखना आसान था, लेकिन अब देखिए अब सब मंज़र बदल चुके हैं। छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाज़ार पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं। नज़्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब सब मंज़र बदल चुका है, सारा दृश्य बदल चुका है। अब जो छोटे छोटे चौराहे हुआ करते थे उसको हटाकर एक चौड़ा सा रास्ता बना दिया गया है। ठीक है, और जब पहले जो पुराने पुराने गली मोहल्ले हुआ करते थे जिसमें लोग रहा करते थे और लोगों के बीच अपनापन था, उन गली मोहल्ले को हटा कर जो है ना एक बहुत बड़ा बाज़ार बना दिया गया है। यानी कि उन पुराने गली मोहल्ले को जो है ना ये बड़े बड़े बाज़ार जो है वो निगल चुके हैं, बड़े बड़े बाज़ार बना दिया गया है। ठीक है, नज़्म जो है कविता जो पहले मेरे पास झट से आकर अपने आप को पूरा मेरे कागज़ पर लिख जाया करती थी, अब वो नज़्म जो है उस नज़्म से और मुझसे यानी कि उस कविता से और मुझसे मीलों लंबी दूरी है। ठीक है, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओं के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन मीलों लंबी दूरी यानी कि जो नज़्म से और मुझसे, कौन बोल रहा है, निदा फाजली बोल रहे हैं कि मुझसे और नज़्म से जो मीलों लंबी दूरी बन चुकी है ना, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटता है, कई कोख माँ मतलब कितनी सारी माँ है उनकी माओं के कोख के बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत को लेकर यानी कि धर्म और पॉलिटिक्स को लेकर लोग जो है अलग अलग तरह के नारे रटते हैं। मतलब यहाँ पर निदा फाजली जो है ना वो रियलिटी बताए हैं, देश की रियलिटी बताए हैं कि अब इस देश में जो है ना अपनापन नहीं रहा। ठीक है, अब जो है ना जो पुराने गली मोहल्ले उसको हटाकर वहाँ पर बाज़ार बना दिया गया है। ठीक है, अब लोगों के बीच अपनापन नहीं है। ठीक है, कहीं अचानक बम फटता है। ठीक है, लोगों के बीच अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मजहब यानी कि धर्म को लेकर, सियासत यानी कि राजनीति पॉलिटिक्स को लेकर एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब लोगों के बीच कोई अपनापन नहीं है, सियासत को लेकर नए नए नारा रटा जा रहा है। बहुत से शहरों बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़्म मेरे घर जब आती है इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी के पलकों पर आंसू बन के सो जाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो है वो नज़्म जब बहुत से शहरों से बहुत से मुल्कों से होकर आती है ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती है, और जब मेरे टेबल पर आती है तो मेरे टेबल पे जो खाली कागज़ है उस खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर वहाँ से रुखसत हो जाती है, वहाँ से रवाना हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर का जो सबसे बूढ़ा आदमी है, ज़यीफ़ आदमी, उसके पलकों के आंसू बनकर जो है ना हमेशा के लिए सो जाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो नज़्म है वो बहुत से शहरों से मुल्कों से आती है, इन सारे जो लोगों के बीच अपनापन ख़त्म हो गया है, कहीं बम फटते हैं, आपस में लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर वो थक जाती है और मेरे टेबल पर आकर मेरे खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर, अब वो नज़्म जो है कविता खुद को लिखती भी नहीं है, खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर चली जाती है, वहाँ से रवाना हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर जो शहर का सबसे बूढ़ा जो ज़यीफ़ आदमी है उसकी पलकों की आंसू बनकर जो है सो जाती है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो नज़्म बहुत आसान थी पहले लिखना आसान था। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 21 कम्प्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी उसको दबा लीजिएगा। जब आप लोग घंटी को दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।